अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं दिशा मेहर। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.9 को कंप्लीट कर लिया था, तो और आज के लेक्चर में हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.10 स्टार्ट करेंगे। बेसिकली 4.10 में हम डायरेक्ट क्वेश्चनों में 7 पे जो है मूव करेंगे। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो हम लोग उसको स्किप करेंगे, वो बहुत ही माइनर से क्वेश्चन है और वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो असल में सिर्फ आपकी जो है वो इन सवालों की प्रैक्टिस है। तो बेसिकली हम अपने जिस क्वेश्चन पर काम करेंगे वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। मैंने आपको याद होगा, आपको मैंने टोटल 11 या 12 फॉर्मूला दिखवाया था, उसके अंदर से एक हमारे पास जो सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला था वो था a³ + b³ + c³ - 3ab। ठीक है, आप यहाँ देख भी सकते हैं, इक्वल्स बराबर है a+b+c² + b² + c² - ab - bc - ac। ठीक है, ये पूरा एक कंप्लीट लॉन्ग फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें बेसिकली इस सवाल को हमें उस फॉर्मूले से सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये हमारे पैदा होता है कि हमें किस तरह ये आइडेंटिफाई होगा कि हमारे पास जो ये सवाल इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो देखिए, आपने फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड को बस कंसीडर करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली हमारे पास ये है कि फॉर्मूले की ए क्यू, यानी कि इन शॉर्ट तीनों हमारे पास जो वैल्यूज है, तीनों वैल्यूज हमारे पास जो है वो क्यूब में है, फिर -3ABC उन्हीं की लीनियर पावर है ABC, यानी कि पावर 1 है 3 के साथ। तो देखिए, अगर आप सवाल में ऊपर गौर करें, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ l³ + n³ + n³ - 3lmn, यानी तीनों वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं 3 पावर है, ठीक है, और lmn, और यानी कि भी पावर जो है वो लीनियर पावर पावर 1 है। तो यानी ये आपके एक तरीके का समझ लें हिंट है आपके पास, एक तरीके की है कि आप आइडेंटिफाई कर सके कि हमारे पास ये सवाल जो है इस बड़े वाले फॉर्मूले से सॉल्व होने वाला है। ये बेसिकली एक तरह की हिंट है कि आपको किस तरह आइडेंटिफाई होगा कि आपके तीनों वेरिएबल्स की पावर है वो स्टार्टिंग के तीनों क्यूब्स में होंगी और फिर इन्हीं वेरिएबल की पावर 1, यानी देखिए lmn में l की पावर 1, n की पावर 1, n की पावर 1, यानी फिर इन्हीं वेरिएबल्स की पावर 1 वाली जो है वो वेरिएबल्स होंगे और 3 के साथ लिखे होंगे। तो ये बेसिकली इसकी हिंट है। अच्छा, अब हमें इसलिए सवाल पे मूव करते हैं, करना क्या है। अभी तो हमने जो बात सारी करी, ये बात हमने करी कि किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सके कि हमारा सवाल इस फॉर्मूला सॉल्व होगा या नहीं होगा, तो उसके हमने अभी हिंट की बात कर ली है। अब हम मूव करते हैं सवाल पे के बेसिकली सॉल्व कैसे करना है। देखें, आपको पहले आंसर तो ये बात समझ में आ रहा है कि बच्चे ये सवाल जो है हमारा जो है वो इस जो यहाँ पे एक लॉन्ग फॉर्मूला था क्यूब वाला, उससे सॉल्व होगा। अब कैसे सॉल्व होगा, अभी हमने ये डिस्कस कर लिया व्हाट टू डू, के करना क्या है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप पे, हाउ टू डू, किस तरह काम होगा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया क्या होगा। अब ये देख रहे हैं किस तरह होगा। देखें, हमारे पास हमें दो चीजें गिवन है, हमें l+m+n दिया है, हमें lmn और nl की वैल्यू दी है। ठीक है, अभी हम इसको छोड़ते हैं, क्या दिया है, हम सारा क्या करते हैं, आपने तरीका का आपका ये होगा, आपने आइडेंटिफाई कर लिया किससे सॉल्व होगा, किस फॉर्मूला से सॉल्व होगा, आपने देख लिया। उसके बाद आपने मूव करना है फॉर्मूले पे, फॉर्मूला लिखना था आपने, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली आपने, आपने फॉर्मूला लिखा कंप्लीट, जो फॉर्मूला है क्या है कंप्लीट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, कहीं लिखे हुए नहीं आपको मिलेंगे, आपको ये माइंड में मेमोराइज होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है a³ + b³ + c³ - 3ab। ठीक है, a+b+c² + b² + c² - ab - bc - ac। ये ac है, ca a की बात है, बाद में ये भी लिखा होगा लेकिन दोनों बार ए की बात है, मल्टीप्लाई में दोनों। अब सेकंड स्टेप में क्या करा है, मैंने इसी फॉर्मूले को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ lmn, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में वेरिएबल्स abc इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन सवाल तो lmn की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसलिए क्या करेंगे, जो abc हमारे पास abc की फॉर्म में फॉर्मूला है, तो हम उस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ lmn, जहां जहां a वहां l लिखेंगे, जहां b है वहां पे m लिखेंगे, जहां c है वहां पे n लिखेंगे। तो देखिए, मैंने सिंपल क्या करा है, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ abc की जगह lmn पुट कर दिया सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप बेसिकली इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये भी आपको आगे के सवाल, आगे का अपना पूरा सवाल जो है सॉल्व कराएगा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या किया मैंने, देखें रिक्वेस्ट टू द पहले जो है वो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड ही आ गया, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट डाल के लिख दिया कि यहां पे लेफ्ट हैंड साइड आएगी आपकी। ठीक है, अब आपने क्या करा, हमने मैंने l+m+n के ब्रैकेट को मैंने ऐसे रखा, ठीक है, l रखा, अब मैंने l² + m² + n² को ऐसे रखा, अब ये जो n² के बाद माइनस साइन है, मैंने इस माइनस साइन को कॉमन ले लिया। जब मैंने माइनस साइन कॉमन लिया यहाँ पे, तो माइनस के बाद जितनी भी साइन है, आपको पता है अगर माइनस साइन कॉमन आएगा तो माइनस के बाद जितनी भी आगे वैल्यूज आएंगे उनकी तमाम साइन जो है वो चेंज हो जाएंगी, अगर वो प्लस है तो माइनस बन जाएगी, अगर वो माइनस है तो प्लस बन जाएगी। जब मैंने इस माइनस साइन को कॉमन लिया यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ln ये -7 था, ये ln+7 हो जाएगा और ये -nl+nl हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस साइन का हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर की तमाम साइन जो है चेंज हो गई। और अब जाहिर है कि हम यहाँ पे दो एक साथ राउंड ब्रैकेट ही लगाते हैं, बात तो बेसिक सी बात आपको पता होगी कि हम जो पहले वाले को कर्ली में करते थे कर्ली ब्रैकेट और बाद में राउंड कर देते हैं। ठीक है,
तो थर्ड स्टेप में क्या किया बेसिकली हमने सिर्फ ये किया कि हमने माइनस साइन को कॉमन लिया। अब इसको मैंने नाम दे दिया कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इसको आपने कुछ भी नाम देना है, 1 देना है, ए देना है, मैंने यहां पे 1 नाम दे दिया कि हमारे पास ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास वही इक्वेशन बन चुकी है जो हमें आगे सवाल को सॉल्व कराई। अब हमें सिर्फ देखना यह है कि हमें ये तमाम चीजें पता है, क्योंकि देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एल क्यू प्लस एम क्यू प्लस एन क्यू माइनस 3 एलिमेंट है, और जो कि हमें असल में सवाल में निकालना है। बात समझ में आ गई? जो इससे पहले जो लिखा हुआ है ना वो वही, यानी जो चीज लिखी हुई है वो वही है जो मैं सवाल में फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब अगर मुझे ये चीज निकालनी है तो मुझे तमाम चीजों का पता होना जरूरी है। तो अब हम ये चेक करते हैं कि हमें क्या क्या पता है, हमें क्या क्या निकालना है। तो अगर एल प्लस एम प्लस एन आ रहा है, हमें पता है एल, ठीक है, वी हैव दिस। नेक्स्ट आ रहा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, हम ये देखते हैं क्या हमें ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इसमें पता है। हमने देखा हमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर नहीं पता, तो इसका मतलब हमें जो है ये चीज निकालनी है। ये चीज कैसे निकालें, आपको पता है आपको एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर अगर निकालना है तो आपको एल प्लस एम प्लस एन दिया हुआ है, तो आप सिंपली इसकी स्क्वायरिंग करें तो ये आ जाएगा। तो मैंने आगे लिखा, मैंने हेडिंग डाली कि टू फाइंड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर, हम ये चीज निकालना चाह रहे हैं। ये चीज निकालना चाह रहे हैं तो हमने सिंपल लिखा एल प्लस एम प्लस एन 15 है, ठीक है, स्क्वायरिंग की बोथ साइड पे, तो यहाँ भी स्क्वायर आया, 15 के ऊपर भी स्क्वायर आया, ठीक है। अच्छा, एल प्लस एम प्लस एन, मैंने आपको चीज बताई थी मैं 4.9 पढ़ा रहा था कि अगर तीन टर्म्स हो और तीनों कंप्लीट होल स्क्वायर में हो हमारे पास, तो हमारे पास वहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होता था, ठीक है। अब ये फॉर्मूला किस तरह अप्लाई हुआ, यहाँ देखें, मैंने सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला का रेफरेंस दिया कि फॉर्मूला असल में है क्या, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर सिंपली क्या करें, यहाँ पे जहाँ जहाँ ए था वहाँ एल स्क्वायर रखा, जहाँ बी था वहाँ एम स्क्वायर रखा, जहाँ सी था वहाँ एन स्क्वायर रखा, बाकी पूरा फॉर्मूला एल रखा, ठीक है। और 15 का स्क्वायर हमारे पास होता है 225, तो 225 आ गया, ठीक है। अब क्या किया नेक्स्ट स्टेप पे, मैंने नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने जो है वो इस LM यहां 2LM 2MN और 2LN से मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया, तो ये 2 कॉमन निकाला मैंने, तो यहां LM बच गया प्लस यहां MN बच गया प्लस यहां पे LN बच गया। नेक्स्ट स्टेप में इस LM प्लस MN प्लस LN इधर हमारे सवाल में वैल्यू गिवन है इसकी, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं कि LN का हूं या NL का हूं एक ही बात है, इसको आप NL कर लें ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको NL कर लें, इसको भी NL कर लें, सही है। तो इस LM plus MN plus NL की वैल्यू इस हमारे गिवन जो 74 थी, तो मैंने इसकी वैल्यू क्या पुट किया 74, फिर 70 को क्या मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया, तो इससे अपनी 148 हो गया। फिर इसको वहां शिफ्ट करा, फिर माइनस करने के बाद मुझे 77 वैल्यू मिल गई, जो कि L square plus M square N square की वैल्यू थी। अब जरा दोबारा यहां पर आ जाए, आपको देखें ये पता था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारे पास आ रहा है ये क्या हमें गिवन है, ये तो मैं सवाल लगे मैंने पहले से ऑलरेडी ये चीज मुझे मिली है, तो अब सिंपली क्या करूंगा मैं इन तमाम की वैल्यूज को L plus M plus N की वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके सिंपली अपना फाइनल आंसर लाऊंगा। किस तरीके से, यहां देखें मैंने यहां लिखा पुट ऑल वैल्यूज इन 1, कि तमाम के तमाम वैल्यूज को जो 1 पुट करता हूं, 1 क्या है 1 ये नहीं, तो देखिए मैंने पुट किस तरह करी वैल्यूज, पहले L plus M plus N आ रहा है तो इसकी जगह मैंने क्या रखा 15, ठीक है 15 रखा। उसके बाद ये L square plus M square plus N square आ रहा है, इसकी जगह मैं क्या रखा मैंने 77 पता नहीं मैंने 77 रखा, फिर माइनस का साइन लगाया और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू 74 पुट कर दी मैंने। पर सिंपली इन दोनों को ये माइनस के साथ ब्रैकेट हट के इसके साथ लिख दिया जाएगा, फिर ये माइनस हो तो फिर आंसर आ गया 15 ऐसे आ गया, फिर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर मुझे आंसर मिल गया 45, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हमने जो है LQ plus NQ plus NQ minus 3 LMN की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सवाल थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो लिहाजा वीडियो को बार बार अगर आप क्लियर ना हो एकदम तो वीडियो को बार बार आप जो है रिवाइंड करके बार बार उसको जो है वो चेक करिएगा, बार बार जब उसको रिपीट करिएगा वीडियो को देखिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आपके जो क्यूरीज है माइंड में वो सारी सारी क्लियर हो, और आप प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। फिर भी कोई कंफ्यूजन कोई क्यूरी कोई मसला अगर हो तो आप कमेंट के थ्रू अपना मुझे मेंशन कर दीजिएगा, वहाँ पे कमेंट के थ्रू अपनी क्यूरी को मैं वहाँ पे आंसर करता रहूंगा। और अपनी अटेंडेंस करना ना भूलिएगा, ठीक है, अपना नाम और अपनी क्लास के साथ, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।